पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यांत्रिक कारखाना मंडल का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन रविवार को संघ के केंद्रीय कार्यालय पर अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के सहायक महामंत्री बजरंगी दुबे ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यांत्रिक कारखाना का वार्षिक अधिवेशन कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी के गठन और चुनाव तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित संघ के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के सहायक महामंत्री बजरंगी दुबे ने कहा, बजरंगी जी में सहायक महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, ये पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कारखाना मंडल गोरखपुर का अधिवेशन हो रहा है। चूँकि कोविड काल चल रहा है, इसे बहुत हम लोग विस्तृत ढंग से करते थे, लेकिन कोविड के कारण इसको बहुत संक्षेप में किया जा रहा है और इसमें अपने नई कार्यकारिणी का गठन करते हैं और आगे आने वाले हमारे ममता ही चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए हम नई कार्यकारिणी को नए रूप देंगे और अपनी योजनाएं बनाएंगे ताकि अगले चुनाव अपने को स्थापित कर सकें। जो कि पिछली बार हम लोग 7 से 13 तक ममता में रहे, इनके ही कारणों से 13 वाले ममता में कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, वो इस बार आसान हो इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं इसको।